हेलो एवरी वन दिस इज राजीव एंड वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो ऑफ जावा लैंग्वेज सीरीज सो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में सो कंडीशनल स्टेटमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जावा लैंग्वेज के लिए एक्चुअली किसी भी और लैंग्वेज के लिए राइट सो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है तो so, सामने डेफिनेशन लिखा हुआ देख सकते हो कंडीशनल स्टेटमेंट आर द सेट ऑफ कमांड्स यूज टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशन सो लाइक अगर मैं एक सिंपल एग्जाम्पल दू सो so सपोज तुम्हें प्रोग्राम में हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है राइट right? तुम्हें प्रोग्राम में हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है तो तुम सिंपल लिखोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट 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 हेलो वर्ल्ड सिस्टम आउट प्रिंट और तुम तुम्हें डबल कोटेशन में लिख दोगे हेलो वर्ल्ड बट मैंने बोला कि मैंने तुम्हें एक कंडीशन दे दिया कि यूजर एक नंबर एंटर करेगा ठीक है और अगर वो नंबर टेन से बड़ा हुआ तब तुम्हें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है नहीं तो नहीं करना है अब यहां पे कंडीशन आ गया

दूसरा है हमारा एल्स इफ अब बेसिकली यहां पे ऑर्डर जो है थोड़ा सा गलत दिया है मैं इसको काट दे रहा हूं मैं यहां लिख दे रहा हूं पहला है हमारा इफ एल्स राइट ये हमारा फर्स्ट है सेकंड है हमारा नेस्टेड इफ एल्स नेस्टेड इफ एल्स थर्ड है हमारा इफ एल्स लेडर इफ एल्स लेडर एल ए डब्लू डी ई आर और फोर्थ है इसको कितने लोग कंडीशनल स्टेटमेंट में कंसीडर नहीं करते हैं बट एक्चुअली एबीसी का पार्ट है है उसका नाम स्विच ठीक है switch, तो इन चारों को हम बारी बारी देखने वाले हैं सबसे पहले हम लोग देखेंगे सबसे पहले हम लोग इफ एल्स को देखेंगे राइट सो स्टार्ट करते हैं हम इफ एल्स के साथ सो so मैं इसे हटा देता हूँ जितनी मैंने पेंटिंग कर रखी है यहाँ पे चलते हैं हम लोग अपने एडिटर में ए बी सी डॉट जावा हमारा एक फाइल है जावा फाइल है इसमें हम प्रोग्राम लिखने वाले हैं So, कौन सा टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट कंडीशनल स्टेटमेंट जिसका नाम क्या है इफ एल्स राइट तो पहले हम इफ एल्स का सिंटेक्स देख लेते हैं सिंटेक्स क्या होगा इफ एल्स का बहुत सिंपल है सो लेट मी चेंज कलर। सो ओके सो हमारा सिंटेक्स हो जाएगा हम लिखेंगे सबसे पहले इफ लोअर केस में इफ के बाद पैरेंथिस ओपन एंड क्लोज

अभी वर्क कैसे करेगा सिंपल अभी मैं एल्स नहीं लगा रहा हूं अभी सिर्फ इफ बता रहा हूं ठीक है एल्स पे भी आऊंगा मैं अभी वर्क कैसे करेगा ये देखो हमारा प्रोग्राम जब इफ पे पहुंचेगा तो कंडीशन को चेक करेगा अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया तो हमारा प्रोग्राम इफ के अंदर आएगा राइट कब आएगा अगर हमारा कंडीशन ट्रू हुआ तो और इफ के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखा है उसको एग्जीक्यूट कर देगा राइट बट सपोज हमारा कंडीशन फॉल्स हो गया अगर हमारा कंडीशन फॉल्स हुआ तो हमारा प्रोग्राम सीधे इफ के नीचे चला जाएगा ठीक है और इफ के नीचे फिर जो भी होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा नहीं होगा तो नहीं करेगा सो so सिंपल यहां पे हम कंप्यूटर को सिंपली बोल रहे हैं कि इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन डू दिस ठीक है है तो ये हमारा इफ है। अब एक प्रोग्राम करते हैं जो मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था कि यूजर एक नंबर एंटर करेगा और अगर नंबर टेन से बड़ा है तब हमको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है तो चलो करते हैं सो so हमें में क्या लिखना होगा इंपोर्ट ऑय लाइन एड करनी होगी सो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक राइट बाद सो इतना तो लिखेंगे ही पता ही तुम्हें हमें यूजर इनपुट लेना होता है तो इम्पोर्टर हैं राइट right? अब हमें अगर नहीं पता यूजर इनपुट कैसे लेना है तो इस सीरीज में जाके देख लो स्कैनर से यूजर इनपुट कैसे लेते हैं उसका वीडियो में ऑलरेडी बना रखा लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम नंबर इनपुट लेंगे मैं वेरियबल लेता हूँ एन एंड देन उसके बाद मैं एक मैसेज प्रिंट कर देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट सिस्टम डॉट आउट डॉट राइट देना एन में तो क्या लिखेंगे हम एन असाइन विद एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी ये हमने नंबर इनपुट ले लिया अब हमको क्या करना है एन में यूजर जो भी नंबर एंटर करेगा अगर वो टेन से बढ़ाए तो हेलोल्ड प्रिंट कर देना है तो सिंपल हम लिखेंगे इफ

फाइव ग्रेटर फाइव है तो 5, 10 से बड़ा है क्या नहीं है ना कंडीशन इफ के अंदर आएगा इफ के अंदर नहीं आएगा ठीक है इस प्रोग्राम में output कुछ भी नहीं आएगा, अगर user ने N, uh, 10 से छोटा एंटर किया तो क्योंकि इफ के नीचे तो कुछ है ही नहीं अब मान लो यूजर ने एन में एंटर कर दिया फाइव की जगह करेगा कंडीशन ट्रू है क्या हाँ ट्रू है 15, 10 से बड़ा है तो इफ के अंदर आएगा क्या प्रिंट कर देगा हेलो वर्ल्ड राइट तो इसको रन करके हम देखते हैं सेव मैंने कर लिया और अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो रन कैसे करेंगे हम टर्मिनल में जाएंगे क्या लिखेंगे जावा सी अगर नहीं पता जावा प्रोग्राम में कहाँ लिख रहा हूँ कैसे रन कर रहा हूँ तो जाके स्टार्टिंग के वीडियोस देख सकते हो प्रोग्राम का नाम क्या है ए बी सी डॉट जावा एंड देन उसके बाद जस्ट टकेंड हाँ अब जावा एंड देन प्रोग्राम का नाम ए बी सी एंटर सो मैसेज आया एंटर द नंबर मैं देता हूं सिक्स देखो आउटपुट आया कुछ भी आउटपुट नहीं आया क्योंकि इफ के अंदर तो सिस्टम गया नहीं और इफ के नीचे फिर कुछ है नहीं तो आउटपुट कहाँ से आएगा सो so, फिर से मैं रन करता हूं अब मैं देता हूं सपोज uh, इलेवन तो देखो हेलो वर्ल्ड क्योंकि अब इफ का कंडीशन ट्रू हो गया हमारा कंप्यूटर इफ के अंदर गया और हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया राइट right? तो ये तो हमारा हो गया इफ अब इफ के बाद सपोज हम चाहते हैं कि कंडीशन फॉल्स हो तो यहां पे मैसेज आ जाए नंबर इज अच्छा तुम बताओ ये कंडीशन कब फॉल्स होगा दो ही केस में फॉल्स हो सकता है ना या तो एन में नंबर टेन हो तो टेन ग्रेटर देन टेन भी फॉल्स होगा क्योंकि टेन टेन से बड़ा नहीं है या तो टेन से छोटा हो तो हम चाहते हैं कि अगर इफ का कंडीशन फॉल्स हो तो एक मैसेज आ जाए कि नंबर इज लेस देन और इक्वल टू टेन तो हमें यहां पर हमें रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर इफ का कंडीशन फॉल्स हो तब भी हम कुछ वर्क परफॉर्म करना चाहते हैं अब तक क्या था कि अगर कंडीशन ट्रू हो तो हमें कुछ वर्क परफॉर्म करना था बट अब हम चाहते हैं कि कंडीशन फॉल्स हो तो ये कुछ और हो जाए राइट तो यहां पर हम ये चाहते हैं कि अगर नंबर टेन से बड़ा है तो प्रिंट कर दे हेलो वर्ल्ड और नंबर अगर टेन से बड़ा नहीं है तो हम चाहते हैं प्रिंट कर दे दिस नंबर इज लेस देन और इक्वल टू टेन क्योंकि दो ही केस में नंबर ये हमारा हमारे कंडीशन होगा या या तो एन में टेन है, या तो में है से तो छोटा तो बिट सो एल्स हम कैसे लगाएंगे इफ के जस्ट नीचे हम लिखेंगे एल्स e -E, ठीक है और एल्स के नीचे ब्रेसेस ओपन और फिर ब्रेसेस क्लोज एल्स का ब्लॉक हो गया और फिर एल्स के अंदर जो भी हमें स्टेटमेंट लिखना है वो स्टेटमेंट स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू ठीक है अब ये वर्क कैसे करेगा अगर इफ का कंडीशन हमारा ट्रू हुआ तो कंप्यूटर आएगा? कंप्यूटर हमारा इफ के अंदर आएगा और जो भी इफ के अंदर लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट करेगा और एल्स में नहीं जाएगा बट अगर हमारा इफ का कंडीशन फॉल्स हो गया तब हमारा सिस्टम फॉल्स होने केस में कहा चला जाएगा एल्स के अंदर और जो भी एल्स के अंदर लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट करेगा इफ में नहीं जाएगा पे so, पे हम हम को बोल रहे हैं हैं नहीं तो 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 यानी अगर false हो गया तो, do this. Simple. तो यहाँ पे प्रोग्राम में देखो हम क्या चाहते हैं? कि नंबर हमारा अगर 10 के बराबर है या 10 से छोटा है तो हम क्या प्रिंट कर दें दिस नंबर इज लेस देन इक्वल टू 10। तो इफ के जस्ट नीचे एल्स लगाएंगे ब्लॉक और इसके अंदर हम मैसेज क्या दे देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन और दिस नंबर दिस नंबर इज लेस देन और इक्वल टू टेन वी आर डन ठीक है रन करते हैं इस प्रोग्राम को सेव और हम चलते हैं वापस अपने टर्मिनल में सो so, प्रोग्राम में मैंने चेंजेस किया तो फिर से कंपाइल करूंगा जावा सी ए बी सी डॉट जावा और फिर हम लिखते हैं जावा ए बी सी सो एंटर नंबर मैं करता हूं फो अब देखो फो क्या है टेन से छोटा है ना तो होगा क्या यहाँ पे फो ग्रेटर देन कंडीशन फॉल्स हो जाएगा कंप्यूटर कहा जाएगा एल्स में और क्या प्रिंट कर देगा दिस दिस नंबर नंबर इज इज लेस लेस देन देन और इक्वल इक्वल टू टू राइट सो देखो अच्छा अब चलो मैं फिर से रन करता हूँ ठीक है सो so, मैं इस बार देता हूं टेन तो अब देखो टेन ग्रेटर देन टेन अभी भी कंडीशन फॉल्स होगा क्योंकि टेन टेन से बड़ा थोड़ा ही है तो कंप्यूटर फिर से एल्स में आएगा क्या प्रिंट कर देगा दिस नंबर इज लेस देन इक्वल टू टेन देखो अच्छा मैं अब एंटर कर देता हूं ट्वेंटी तो फाइव तो बड़ा है ना तो देखो हेलो वर्ल्ड सो आई होप समझ में आ गया होगा इफ एल्स कैसे वर्क करता है राइट right? एल्स वाला पार्ट जो ऑप्शनल है अगर तुम्हें कंडीशन फॉल्स होने पर कोई वर्क परफॉर्म करना चाहते हो तो एल्स लगा सकते हो और चाहो तो नहीं लगा सकते हो कंपल्सरी नहीं है ठीक है अच्छा अगर इफ एल्स के बाहर हम कुछ प्रिंट करेंगे जैसे मैंने प्रिंट कर दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन बाय hey, सो so, अब इस लाइन का इफ एल्स कोई मतलब है कोई मतलब नहीं है चाहे इफ ट्रू हो या फॉल्स हो ये वाली लाइन तो हर बार एग्जीक्यूट होगी देखो दिखाता हूँ क्योंकि इफ एल्स के बाहर है अब कंडीशन अगर इफ का ट्रू हुआ तो कंप्यूटर इफ के अंदर जाएगा जो भी लिखा एग्जीक्यूट करेगा एल्स में नहीं जाएगा फिर जब एल्स में नहीं गया तो सीधे कहा जाएगा इस वाली लाइन पे लाइन नंबर एटीन पे ठीक और इसको एग्जीक्यूट कर देगा तो हम रन करते हैं प्रोग्राम को सो जावा सी ए बी सी डॉट जावा मैं 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 देता हूं, अब मैं यहाँ पे देता देता अब पे तो ट्रू तो 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 होगा होगा, ना का, का देखो hello world, फिर hey, bye bye. फिर run करते हैं, तो else में आ गया, क्या प्रिंट करेगा दिस नंबर इज लेस इक्वल टू टेन और उसके बाद फिर देखो हे बाय आई होप क्लियर हो गया होगा इफ एल्स हमारा कैसे वर्क करता है सो so आज हमने देखा कंडीशनल स्टेटमेंट कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं ऐसे टूल्स जावा ने हमें दिए हैं जिनकी हेल्प से हम कंडीशन पे अपने स्टेटमेंट्स को डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे कौन सा स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होगा बेस्ड ऑन सम कंडीशन जैसे देखो यहाँ पे हमने डिसाइड किया है कि हमारा लाइन नंबर तभी एग्जीक्यूट होगा जब यूजर ने जो नंबर एंटर किया वो टेन से बड़ा हो फिर यहाँ पे हमने डिसाइड किया है कि हमारा लाइन नंबर सिक्सटीन तभी एग्जीक्यूट होगा जब हमारा नंबर टेन से छोटा या उसके बराबर हो क्योंकि तभी कंप्यूटर एल्स में आएगा राइट right? तो सिंपल कंडीशनल स्टेटमेंट ऐसे टूल्स होते हैं जिनकी हेल्प से प्रोग्राम के स्टेटमेंट्स को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं बेस्ड ऑन सम कंडीशन सो यह था हमारा एल्स अब अगले वीडियो में हम लोग एल्स पे एक, एक दो प्रोग्राम करेंगे और उसके बाद हम लोग लूप और एल्स को कंबाइन करके कुछ कुछ प्रोग्राम करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वीडियो को लाइक like करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो थैंक यू